एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएसजी इंटीरियर्स। मैं आज आपको टूर कराऊंगा एक 3 BHK फ्लैट का जो एनएसजी इंटीरियर्स ने सेक्टर 10 द्वारका में कंप्लीट करा है। ये फ्लैट हमने बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट करा है टू फुल्ली फिनिश्ड विद इन 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेन डोर है हमने स्टेनलेस स्टील का रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक देता है एक घर के एंट्रेंस में। जैसे ही हम फ्लैट में एंटर करते हैं, हमको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि या दिस इज़ व्हाट आई नीड इन माय हाउस। ये है हमारा फ्लैट का एंट्रेंस, जो देखते ही किसी का भी मन करता है कि यस, दिस इज़ व्हाट आई नीड इन माय हाउस। यही तो चाहिए एक घर में, कि मतलब जब घर के अंदर, फ्लैट के अंदर कोई इंसान घुसे, कोई हमारा फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या फिर हमारे मेहमान हो, कोई भी घुसे, तो या उसको फील आनी चाहिए कि या दिस इज़ द होम, दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ आर होम दैट आई नीड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लिविंग रूम में फ्रिज के साथ एक पार्टीशन बनाया हुआ है वुड का, जहाँ पर आप अपना फैंसी आइटम रख सकते हैं। एंड आप उसी के साथ साथ देख सकते हैं, जो हमने लिविंग रूम में लाइटनिंग करी गई है वो बहुत ही मिनिमम करी है, जिससे जो लिविंग रूम का लुक है वो अलग ही निकल के आ रहा है। और आप देख सकते हैं, जो टीवी यूनिट है वो भी बहुत फाइन तरीके से डिज़ाइन करा गया है एनर्जी सॉल्यूशन के द्वारा। और आप देख सकते हैं, जो पेंटिंग वर्क है वो कितना फाइन है। आप देख सकते हैं, जो कर्टेन का कंट्रास्ट है वॉल के कलर से, वो बहुत ही फाइन लग रहा है एंड एक सूदिंग फीलिंग दे रहा है। दिस इज़ व्हाट वी आर मेंट फॉर। नाउ अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक आप देख के फील करेंगे कि ये छोटा सा एरिया कैसे मेंटेन किया गया है, विद द छोटे से स्पेस को कैसे हमने यूटिलाइज करा है। Look at the study table, the position of study table and the design of study table. Now look for the curtains, combination of curtains with the wall color. Now gate ka design dekhiye aap, ye jo bed hai isko kis tarike se design kara gaya hai room ke space ke hisab se. Aapko ek ek cheez aisa lagega ki yeah, this is what I need. Aaiye aapko leke chalta hu अटैच्ड बाथरूम में, जो कि गेस्ट रूम के साथ अटैच्ड है। लुक, दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट यू नीड इन योर होम। लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स, लाइटनिंग एज पर रिक्वायर्ड। ये था हमारा गेस्ट रूम और उसके साथ अटैच्ड एक बाथरूम। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस फ्लैट के उस पार्ट पर, जहाँ पे फैमिली अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, एंड आप उसके जो फ्लोरिंग है उस पे नज़र डालिएगा। कलर ऑफ द टाइल्स एंड द जो, अब ये जो सामने आप स्पेस देख पा रहे हैं, ये है डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर डाइनिंग टेबल आएगी एंड चेयर्स आएगी, एंड यहाँ पर फैमिली अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, हैप्पी टाइम जिसे कहते हैं वो स्पेंड करेगी। ठीक इसके सामने है किचन, जिसको हम घर का पावर हाउस भी कहते हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इस किचन में एक भी हैंडल हमने नहीं लगाया है, बिल्कुल आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा किचन में। आप देखेंगे कि जो पोजीशनिंग है बॉक्सेस की, वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करी गई है। देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए, जो आर्टिफिशियल लाइट है और जो नेचुरल लाइट सोर्स है, उसका हमने यूज़ किस तरीके से करा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो चूल्हा है उसके ऊपर चिमनी की पोजिशनिंग, वॉश बेसिन है उसके ऊपर आर ओ की पोजिशनिंग, एंड देख पाएंगे आप ओवन की पोजीशनिंग। हर एक चीज़ की पोजीशनिंग हमने एक कैलकुलेटेड वे में करी है। आप देख पाएंगे कि जो छोटे से छोटा स्पेस है, उसका हमने यूज़ एक बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट तरीके में करने की कोशिश की है, तभी आपको एक्सपीरियंस हो पा रहा होगा कि ये जो किचन है बहुत ही सीमलेस है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आपको किचन देखने को मिलेगी। तो अब
किचन के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ बेडरूम नंबर 1 में, जो कि आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा। तो आइए चलते हैं रूम नंबर 1 की तरफ। आप जैसे ही इस रूम के अंदर एंटर करेंगे, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आप देख पा रहे होंगे जो सामने हाइलाइटेड वॉल है, उसका जो डिज़ाइन है वो एक अलग ही लुक दे रहा है इस रूम के अंदर। एंड आप देख पाएंगे जो इसके अंदर स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट तरीके से किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक वुडन अलमीरा है, स्लाइडिंग बनाई गई है इसको, एंड जो इसमें मिरर है एंड जो इसमें माइका लगी हुई है, उसका जो कॉम्बिनेशन है दिस इज़ यूनिक। एंड द डिज़ाइन जो देख पा रहे होंगे वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। एंड आप देख पाएंगे जो इस रूम की जो फॉल सीलिंग करी गई है, उसका जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल रखा गया है। एंड जो इसमें कोपिंग लाइट जो इसके पैरीमीटर में हमने डाली है, ये इसका कॉन्ट्रास्ट वॉल के साथ करा गया है, हाइलाइटेड जो वॉल है उसके साथ बहुत ही अच्छा लुक देता है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमने अभी किचन दिखाई थी उसके बैक साइड में। आप इसके अंदर देख पाएंगे कि ये थोड़ा सा ओपन एरिया है हमारा, जिसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो अपनी विंडो है, UPVC विंडो, वो फिट करी है। एंड इसी के ठीक सामने एक हमने लोहे का जाल बांधा है, जिससे हमारा जो कबूतर वगैरह होते हैं वो अंदर नहीं आ पाते। और दूसरी बात, जो आप फ्रेश एयर हैं एंड जो बाहर का व्यू है वो आप यहाँ से बहुत ही प्यार से आप ले सकते हैं। इस कॉमन एरिया की मेन बात ये है कि यहाँ से जो पूरे घर का वेंटिलेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। तो अब हम इस बेडरूम नंबर 1 से निकलकर घर फ्लैट के दूसरे पार्ट में चलते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे ये जो थोड़ा सा यहाँ पर राइट साइड में जो कॉमन एरिया है, ये हमारे फ्लैट का जो कॉमन बाथरूम है। एंड लुक एट दी डोर डिज़ाइन एंड नाउ लुक दिस इज़ आर कॉमन बाथरूम। आप देख पा रहे होंगे जो हमने जो पैटर्न बनाया है इसके अंदर टाइल्स का, एंड जो फ्लोरिंग वाली टाइल्स है, एंड जो ऊपर हमने टॉप पे जो टाइल्स लगा रखी हैं टॉप पैनल पे, उसका कॉम्बिनेशन आप देखिए, पूरे एज अ होल बाथरूम का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इट इज़ अ वर्क ऑफ सिमेट्री। एंड नाउ लुक, हमने यहाँ पर वॉश बेसिन, उसके ऊपर जो मिरर है, गीज़र है, उसकी पोजीशनिंग सारी बहुत ही अच्छे तरीके से करी है। और अब टाइम है बेडरूम नंबर 1 से निकलकर बेडरूम नंबर 2 की तरफ जाने का। एंड यहाँ पर भी हमने जो बेडरूम नंबर 2 है उसको एज इट इज़ रखा है बेडरूम नंबर 1 की तरह। आप देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, सेम हमने जो स्लाइडिंग अलमीरा है वो बनाई हुई है, एंड जो हाइलाइटेड वॉल है उसका पैटर्न हमने एज इट इज़ रखा है जो बेडरूम नंबर 1 में था। एंड सेम उसी तरीके से टीवी यूनिट का स्पेस दिया गया है बेडरूम नंबर 2 में भी, इस वाले बेडरूम में भी। एंड इसमें बस एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर सामने एक एक्स्ट्रा स्टडी टेबल हमने दी है जो कि बेडरूम नंबर 1 में नहीं थी। एंड इस वाले रूम में भी जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो भी हमने सिंपल एंड सोवर रखा है एज इट इज़ जो बेडरूम नंबर 1 में था। अब मैं आपको ये जो अलमीरा है, स्लाइडिंग अलमीरा, इसकी आप डिटेलिंग देखिए एंड एक्सपीरियंस कीजिए कि कितना सीमलेस वर्क है। आपको कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आएगा इस अलमीरा के अंदर। एंड ये स्टडी टेबल भी आप देख सकते हैं। एंड जब हम इस रूम के अटैच्ड बालकनी में जाएंगे, आपको वहाँ से इस बेडरूम का एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। एंड दिस व्यू इज़ जस्ट लिट, बहुत ही बढ़िया व्यू है। आप देखिए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए इस वाले एंगल से बेडरूम नंबर 2 का व्यू। नाउ लुक, इट इज एज ब्यूटीफुल इट इज। हैव अ लुक एंड एंजॉय। अब हम मूव कर रहे हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द रूम। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, आपको बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2 से थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर
जो कॉम्बिनेशन है वॉल का वो क्रीम रखा गया है एंड इट गिव यू अ सूदिंग फीलिंग। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा एक कॉम्पैक्ट सा स्टडी टेबल एंड उसके साथ एक चेयर एंड उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा कबर्ड जहां पर आप अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं। आप साथ ही साथ देख सकते हैं हमने सामने एक UPVC की विंडो लगाई हुई है जिससे जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारे रूम के अंदर एंटर करती है। साथ ही साथ ये जो UPVC विंडो है एक पूरे फ्लैट में वेंटिलेशन एक अच्छा प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो हमारी अलमीरा है उसके ऊपर हमने जो लॉफ्ट बनाई हुई है वो भी बहुत यूज़फुल है एंड बहुत ही अच्छे माइका से तैयार करी गई है। जो हमारा इंटीरियर है जो एक कबर्ड आप सामने देख पा रहे हैं और जो आपने लॉफ्ट देखी है अभी उसका कॉम्बिनेशन एक हमने बनाने का तैयार करा है एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये जो मास्टर बेडरूम है इसका जो अटैच बाथरूम है। आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर हमने टाइल्स का पैटर्न बनाने की कोशिश करी गई है उसका टोन हमने ग्रे रखा है एंड इट लुक्स प्रीटी गुड। एंड जो स्पेस है इस बाथरूम का हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करी है। वॉश बेसिन के नीचे जो वैनिटी लगी हुई है वो भी इसी टोन में हमने रखी है। बाथरूम के जो टाइल्स है उसी टोन में हमने रखने की कोशिश करी है ग्रेइश में। ये वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बाथरूम का बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम से निकल कर अपने फ्लैट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जो कि है मेन बालकनी जहाँ से आप नेचर का व्यू ले सकते हैं एंड उसी के साथ अटैच्ड है हमारा मंदिर जो कि लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं अपने मेन बालकनी के अंदर जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लैट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो विंडोज़ वगैरह जो डोर्स वगैरह हैं यहाँ पर UPVC की रखी हुई है एंड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा मंदिर है वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेस इन द हाउस। आप यहाँ पर आ सकते हैं पूजा कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए खुशहाली की दुआ मांग सकते हैं और साथ ही साथ सुबह की ठंडी हवा भी ले सकते हैं। ये वो पार्ट है घर का। अब आप भी इंजॉय करिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिए बिकॉज गुड थिंग नीड टू बी शेयर्ड। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और नए फ्लैट के टूर के साथ और इसी के साथ इस फ्लैट का सफ़र ख़त्म हुआ एंड वी होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। Enjoy.